नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जी हाँ, ये खबर लगातार बिहार की सियासत में भी गर्माहट बनाई हुई है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है क्राइम को लेकर के, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की महिला नेत्री, जी हाँ ऋतु जायसवाल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल ने अपने फेसबुक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है, साथ में वहाँ कुछ लिखा भी है। मैं बताती हूँ कि आखिरकार ये वीडियो क्यों पोस्ट किया है और क्या कुछ लिखा है। दरअसल पटना में पिछले एक सप्ताह से गायब चल रहे चावल कारोबारी भाइयों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दोनों को लापता हुए 7 दिन बीत गए हैं। ऐसे में परिवार वाले काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। परिवार को अनहोनी का डर सता रहा है। रविवार को राजद नेत्री ऋतु जायसवाल उनके परिजनों से मिलने पहुंची। इस दौरान वह काफी भावुक हो गए और उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि दोनों भाई जहां कहीं भी हो उन्हें सही सलामत वापस घर भेज दो। इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से ऋतु जायसवाल विनती करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल के आंखों में आंसू भी देखे जा सकते हैं। जिस तरह से उनके परिवार वाले बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, ऋतु जायसवाल भी उनके गम में शामिल हो गई हैं और वो भी रोई जा रही हैं। रिक्वेस्ट को बोल दो मेरे डैडू को, मेरे बड़े पापा को प्लीज भेज दीजिए। बोलो बेटा, बोलो, यहाँ पे कैमरा में बोलो, सुनेंगे सर तुम्हारा। डैडू और पापा जी तो यहाँ भेज दीजिए का सामना किया, मगर आज तक इससे ज्यादा मुश्किल घड़ी में शायद हम कभी भी नहीं पड़े हैं। अक्सर हम फेसबुक पे आते रहे, लेकिन शायद ये पहली बार किसी अपील के लिए आ रहे। अभी मैम अपील कर दीजिए, अपराधियों से कहीं सुन रहे हैं डेट में। 6 दिन से इनके इनके बच्चों के पिता या इनके पति और इनके बेटे घर नहीं लौटे हैं, और जिस परिस्थिति में, जिस भी कंडीशन में अगर उन्होंने किसी ने कैद करके रखा है तो अपील करते हैं कि उन्हें छोड़ दें। जैसा कि परिवार के लोगों ने भी कहा है कि हम कुछ भी, कुछ कोई केस कुछ भी नहीं करेंगे, हमें कोई दुश्मनी नहीं निभानी है, बस जैसे वो सकुशल बस हमारे परिवार को वापिस कर दे, हमारे पति, हमारे बेटे, हमारे पिता को वापिस कर दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को वापिस कर दे। बहुत सीधे साधे लोग हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है किसी का। और अगर अगर मेरे भी पेज के माध्यम से अगर सुन पा रहे हैं, जिन्होंने जो भूलवश अगर उनसे कुछ गलती भी हुई है, कुछ भी है, तो वो छोड़ दे। उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बस उनका परिवार है। और हम लोग ये चाहते हैं किसी तरीके से आप उनके उनके परिवार को, उनके लोगों को छोड़ दें। दरअसल रविवार को परिजनों से मिलने के बाद राजद नेत्री और विधानसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार ऋतु जायसवाल ने अपने फेसबुक के माध्यम से कहा कि पटना के दो सगे व्यवसायी भाई राकेश गुप्ता और अमित गुप्ता को गायब हुए आज 7वां दिन हो गया है और अब तक कोई खबर नहीं है। परिवार ने नौबतपुर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है और सभी हद से ज्यादा दुख में है। परिवार से मिलना हुआ पर उनकी हालत देखी नहीं जा रही है। जिन्होंने भी अपहरण किया है उनसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि आपको इंसानियत का वास्ता है, हमारे भाइयों को घर भेज दीजिए। छोटी बच्ची रोज पापा पापा कहकर उन्हें ढूंढती है। माता पिता, पत्नी, भाई सब हर बीतते पहर के साथ उम्मीद खोते जा रहे हैं। एक उम्मीद है कि कहीं ये वीडियो अपहरणकर्ता देख रहे हो तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि उन्हें लौटा दे। तो ऋतु जायसवाल इस वीडियो को शेयर करते हुए अपहरणकर्ताओं से विनती करती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे,
इतना भावुक वीडियो है, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से रोते बिलखते हुए पूरा परिवार नजर आ रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ऋतु जायसवाल ने अपहरणकर्ताओं से विनती की है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंसानियत का आपको वास्ता है कि ये वीडियो देखने के बाद जहाँ कहीं भी हमारे दोनों भाई हैं उन्हें छोड़ दीजिए।